एवरीबॉडी, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा यहां पर। आई होप मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है क्लियरली। ओके, तो ये है हमारा वेब पेज। हम गूगल क्रोम में जाके यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है www.atomy.com/in। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेब पेज ओपन होता है। स्टार्टिंग में ही देखिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज है। इफेक्टिव फ्रॉम टुडे फॉलोइंग प्रमोशनल ऑफर्स विल बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। आज से प्रमोशनल ऑफर्स शुरू हो गई है। वो क्या है? फेम केयर सेट, स्किन केयर सेट कॉम्बो, बाई थ्री गेट वन फ्री। इवनिंग केयर सेट कॉम्बो, बाई थ्री गेट वन फ्री। टूथपेस्ट कॉम्बो, बाई 4 × 200 grams गेट 150 gram फ्री। टूथब्रश कॉम्बो, बाई 7 टूथब्रश गेट 1 कॉम्पैक्ट टूथब्रश फ्री। यानी बहुत अच्छा मौका है मेंबर्स, हमें ये अपॉर्चुनिटी कंपनी की तरफ से मिली है, तो इस ऑफर का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोगों का एक्चुअली डाउट था, आज भी बहुत सारे लोग थोड़े से डरे हुए रहते हैं कि उनको एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग कैसी करनी है, वो उन्हें पता नहीं है। तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप, मैंने ये पहले भी एक्चुअली शॉपिंग का ये सिलसिला दिखाया है, मैं आज डिटेल में इसको वापस दिखाऊंगा। यहाँ वेब पेज पे सबसे पहले आपको आपके आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जी हाँ, यहाँ लॉगिन आप देख सकते हैं, खुद के आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही यहाँ आप देखिए, आपका नाम आ जाता है राइट हैंड साइड पे। ऊपर एटोमी के पेज पे, उसके बाजू में शॉपिंग मॉल है, माय ऑफिस है, एटोमी चैनल्स है, जहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हिंदी के वीडियोस है, इंग्लिश के वीडियोस है। तो ये आप देखिए, इससे क्या होता है, नॉलेज भी बढ़ता है, हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, हर एक प्लान के बारे में जानकारी है। ये सारे वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस और मोटिवेशनल ये ग्रुप पे भी एक्चुअली शेयर करते हैं बहुत सारे सीनियर्स। तो मैं चाहूँगा कि इससे अच्छा एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप घर बैठे बैठे मोबाइल में या लैपटॉप पे ये वीडियोस देख के आपकी जानकारियाँ बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं शॉपिंग। शॉपिंग अगर करना है तो हमें जाना है शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये हमारे शॉपिंग मॉल का पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप देखते हैं दुनिया भर के हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सारे यहाँ आपको दिखते हैं। जी हाँ, टूथपेस्ट, ब्रश, संगमदान हेयर टॉनिक, इसका बहुत अच्छा रिव्यू आया है, मैं खुद इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ आज कई दिनों से, और बहुत सारे
वीडियोस इसको लेके आए हैं कि ये बहुत इफेक्टिव टॉनिक है हेयर के लिए। यहाँ आपको वो सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं जो आप परचेस करना चाहते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक पेज नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखिए ऑलमोस्ट 3 पेजेस का प्रोडक्ट लिस्ट आपको दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड पेज के प्रोडक्ट्स, ये आप घर बैठे बैठे भी स्क्रॉल करके ये सारे प्रोडक्ट्स की जानकारियां ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी चाहिए, मतलब कौन से प्रोडक्ट किस चीज में यूज होता है, किस चीज में ज्यादा इफेक्टिव है, वो अगर आपको देखना है तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट को आप क्लिक कीजिए, उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलती है। जैसे हेयर एसेंशियल ऑयल है, अगर इसके बारे में मुझे जानना है तो मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक करूंगा तो इस प्रोडक्ट का एक पेज ओपन होता है, अलग से एक पेज ओपन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट में प्रोडक्ट का फोटो है, प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, उसका पर्सनल पीवी कितना होता है, वो आपको पूरी जानकारी दी है। हमारा जो मार्च तक ऑफर चल रहा था डिलीवरी फ्री का, मतलब जो 4,500 से था, वो आप देख सकते हैं डिलीवरी फ्री के लिए जो 30th सितंबर तक एक्चुअली वैलिड किया है कंपनी ने। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद कर, मतलब 4,500 तक खरीद कर आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यानी कि जो डिलीवरी चार्जेस जो रहता है वो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दी है, उसका जेनरिक नेम, ब्रांड, एक्सपोर्टेड फ्रॉम, यहाँ पूरा आपको पता चलता है, मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस। जैसे हम सेमिनार में हमेशा बताते हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो कैरी में रिसर्च होके, कोलमार में मैन्युफैक्चर होके ही बाहर आते हैं, हम तक पहुंचे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोलमार कोरिया कंपनी लिमिटेड। तो ये आप लोगों को भी घर बैठे बैठे दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ बताते नहीं है, जेन्युइनली हमारे प्रोडक्ट कोरिया कोलमार से ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल आपको दी गई है, मतलब ये हेयर ऑयल है ये किस चीज के लिए है, टू प्रोवाइड नरिशिंग मॉइस्चर फॉर ड्राई एंड ब्रिटल हेयर। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, उसको किस तरह से स्टोरेज करना है, उसका एक स्पेशल ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और उसे यूज कैसा करना है। जी हाँ, इसमें किस तरह के 6 एसेंशियल ऑयल्स का मिश्रण है ये बताया गया है, ये किस चीज के लिए ज्यादा यूज होता है, कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, रिफ्रेशिंग एंड डिलाइटमेंट फ्रीक्वेंसीज, ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स इसमें कौन से है, ये सारी जानकारी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको मिलती है यहाँ पर। ये आप पूरी जानकारी पढ़ के भी समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें किस काम का है। दोस्तों आज मैं डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट जो है हमारा, वो आपको दिखाऊंगा किस तरह से खरीदी करते हैं। ये जैसे लिक्विड डिटर्जेंट है, अगर मुझे ये डिटर्जेंट अगर परचेस करना है तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ यहाँ आपको दिखाया गया है
माइनस साइन है, एक है, प्लस है, ये क्वांटिटी के लिए है। मुझे एक क्वांटिटी चाहिए, दो क्वांटिटी चाहिए, अगर दो चाहिए तो मैं ये प्लस को क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक दो हो जाता है, क्लिक करूंगा तो तीन हो जाता है। मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए मैं यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं एक ही सिलेक्ट करूंगा। ये करने के बाद यहाँ देखिए एड टू कार्ट दिया हुआ है, एड टू कार्ट को आप क्लिक कीजिए। ऊपर देखिए एक पॉपअप मैसेज आया हुआ है, आइटम हैज बीन एडेड टू योर कार्ट, उसको आप ओके कीजिए। ओके करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पे देखिए शॉपिंग कार्ट में वो प्रोडक्ट आपको दिखेगा, यानी आपके शॉपिंग कार्ट में वो प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। हम और एक प्रोडक्ट लेंगे, मैं इवनिंग केयर का इवनिंग केयर फोम क्लींजर, यस ये देखिए ये वो प्रोडक्ट है, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलती है, ये किस चीज के लिए है, इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स है, इसको कैसे यूज करना है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स में ये क्लीन पोर्स एंड अदर स्किन रेसिड्यूज, यानी ये हम देखते हैं बहुत सारे टाइम हमारे स्किन पे ब्लैकेट्स आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं या पिंपल्स आ जाते हैं, जिसके वजह से एक्चुअली चेहरा हमारा खराब हो जाता है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो हमें यूज करता है हमारे फेस को क्लीन करने के लिए है। ये एज गुड एज फेस वॉश है, जैसे हम मार्केट से बहुत सारे फेस वॉश यूज करते हैं उसी तरह ये फेस वॉश के जैसा ही है, तो ये हमें उसी प्रकार काम आता है। यहाँ आप देखेंगे इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ बताया गया है जो पोर्स है, जैसे मैंने कहा था ब्लैकहेड्स रहते हैं, सीबम रहते हैं, हॉर्न्स रहते हैं, वो किस तरह से ये क्लीन करता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम इस प्रोडक्ट को भी हमारे कार्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वांटिटी है, इसको भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे। फिर से ये देखिए पॉपअप मैसेज आया है, एडेड टू योर कार्ट, ओके किया है। यहाँ देखिए शॉपिंग कार्ट में दो प्रोडक्ट विजिबल है, ये सब को दिख रहा होगा। अब हमें करना क्या है, ये प्रोडक्ट तो हमने सिलेक्ट कर दिए कि ये दो प्रोडक्ट हमें लेने हैं। यहाँ शॉपिंग कार्ट को आप जब क्लिक करते हैं तो आपका ये शॉपिंग कार्ट विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें हमने जो दो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे वो दो प्रोडक्ट आपको यहाँ दिखता है। यहाँ इस प्रोडक्ट को हमें सिलेक्ट करना है, जो भी प्रोडक्ट है मतलब उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही यहाँ आप देखेंगे तो उसका टोटल आया हुआ है, लेकिन उसमें अभी तक डिलीवरी फीस और जीएसटी ऐड नहीं है। ये दोनों टोटल जो है ये प्राइस है 1590, ये प्राइस है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और इसका टोटल पीवी हमें कितना मिलेगा ये यहाँ पर जानकारी हमें मिलती है। ये प्रोडक्ट सिलेक्ट होने के बाद हमें ऑर्डर सिलेक्टेड आइटम्स को क्लिक करना है। ये हमने ऑर्डर सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे नीचे डिस्ट्रीब्यूटर इंफॉर्मेशन आती है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल नंबर और एड्रेस हमने दिया था वो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। हमारा ईमेल आईडी, ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है कि आपकी ये ईमेल आईडी बराबर है। अगर आपको पेमेंट कंफर्मेशन का ईमेल चाहिए तो आप इस बॉक्स को टिक कीजिए, तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको कंपनी की तरफ से
ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे कि आपका पेमेंट उन्हें रिसीव हुआ है। यहाँ हमें डिलीवरी इंफॉर्मेशन भरनी है दोस्तों, और बहुत सावधानी से भरनी है, क्योंकि क्या हुआ है, हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो हमारे आधार कार्ड के हिसाब से ये एड्रेस आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का आज ऐसा हुआ है कि उनका आधार कार्ड का एड्रेस अलग है और वो प्रेजेंटली अभी जहाँ रहते हैं वो एड्रेस अलग है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है। अगर आपका डिलीवरी एड्रेस सेम है जैसे आधार कार्ड पे है तो आप यहाँ माय एड्रेस को क्लिक कीजिए, तो ये देखिए नाम के साथ में पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपको कुछ भी एडिशनल भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका एड्रेस अगर नया है तो आप इसको यहाँ टिक कीजिए न्यू डिलीवरी एड्रेस, और यहाँ पर फिर आप नाम डालिए। आपका मोबाइल नंबर डालिए जो एक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या होगा, जो कुरियर कंपनी या जो कुरियर आपका आने वाला है किसी भी कंपनी से, अगर आपका एड्रेस उन्हें नहीं पता है तो वो आपको शायद फोन कर सकते हैं एड्रेस ढूंढने के लिए। तो नंबर वही परफेक्ट डालिए जो आपका एक्टिव है, जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। यहाँ आप वो एड्रेस डालेंगे जहां आपको डिलीवरी चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जो दो कॉलम्स जो दिए हैं एड्रेस के, आप अश्योर करेंगे कि ये दोनों कॉलम्स में आप कंप्लीट एड्रेस डालें। एक कॉलम भी अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये मैसेज आपको वापस पॉपअप करेगा कि आपने एड्रेस इनकम्प्लीट डाला हुआ है। तो ये दोनों ब्लॉक्स जो है उसमें आप ये पूरा एड्रेस कंप्लीट डालेंगे। ये मैंने एड्रेस पूरा डाल दिया है। अब यहाँ पर पोस्टल कोड आप अगर डायरेक्ट डालने जाएंगे तो नहीं होगा। अगर जिन्होंने नए नए रजिस्ट्रेशन किए हैं या ज्वाइनिंग्स की है उनको आइडिया रहेगा, हमें यहाँ पर सर्च पिन कोड करना है। यहाँ सर्च पिन कोड करने के बाद एक नया पॉपअप विंडो ओपन होता है जहाँ हमें हमारा पिन कोड डालना है और उसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए पोस्टल कोड आ गया है मुंबई महाराष्ट्र, ये सारी डिटेल जानकारी यहाँ ऐड हो गई है। इतना डालने के बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही मैंने एड्रेस डाला, पूरी डिटेल डाली, मुझे यहाँ पर शिपिंग फी और जो जीएसटी है इसका भी अमाउंट आ गया है और मेरा फाइनल टोटल अमाउंट मुझे दिख रहा है। ये पूरा फाइनल अमाउंट है जो मुझे पे करना है, और ये मेरा पीवी है जो इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से मुझे
मिलेंगे। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर इंफॉर्मेशन है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए आपने ऑर्डर सही डाला है नहीं डाला है। अगर कुछ भी एरर है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा है। पेमेंट इंफॉर्मेशन में नीचे आप देख सकते हैं, पेमेंट इंफॉर्मेशन में ये पूरी डिटेल जानकारी आपको दी गई है। आपका ये टोटल बायर प्राइस आपका ये है, टैक्स आपको इतना लगा है, डिलीवरी चार्जेस इतना है, डेट ऑफ परचेज आपका कभी का है वो दिख रहा है। यहाँ डू यू एग्री विथ ऑल इंफॉर्मेशन गिवन अबव, तो इस बॉक्स को आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको चेकआउट नाउ, चेकआउट नाउ यानी बाहर नहीं जाना है, आपको पेमेंट के लिए चेकआउट करना है। जी हाँ, ये अभी पेमेंट साइट पे हमें रीडायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर आपके वॉलेट में अगर है तो कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से किस तरह से ये पेमेंट हो सकता है। यहाँ आपको कार्ड नंबर डालना है 4160। ये कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है। कार्ड के ऊपर ही आप देखेंगे आपको एक्सपायरी मंथ और ईयर दिखाया जाता है, वो आपको डालना है। और यहाँ पर सीवीवी अगर आप देखेंगे आपके कार्ड के बैक साइड पे एक 3 डिजिट का नंबर रहता है, जो कि सिक्योर्ड नंबर रहता है, वो आपको किसी को शेयर नहीं करना रहता है। तो मैं चाहूंगा आप लोग अपनी अपनी आंख बंद कर दे, क्योंकि मैं अभी अपना सीवीवी नंबर डालूंगा। शायद दिखा नहीं लोगों को, ओ कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो ये सिक्योर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप आपकी कार्ड के डिटेल्स, एक्सपायरी, ये सब दिख जाएगा, लेकिन आप सीवीवी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। आपके कार्ड के ऊपर जो नाम रहता है वो आपको डालना है, वो डालने के बाद आप प्रोसीड कीजिए। ये पेमेंट का ऑप्शन, ये बैंक के साथ में, यहां देखिए मर्चेंट नेम आता है एटोमी एंटरप्राइज इंडिया, आज की डेट है, कार्ड नंबर दिया हुआ है, टोटल चार्जेस कितना पे करना है मुझे वो दिया हुआ है, और आपका बैंक के साथ में जो भी नंबर रहेगा बैंक उसके ऊपर आपको एक OTP भेजेगा, वन टाइम पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। ये डालने के बाद आपको सबमिट करना है। यहां देखिए दोस्तों, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, और यहां योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ये मैसेज मुझे आ चुका है, मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका है जो नंबर मैंने दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, योर ऑर्डर नंबर प्लेस्ड ऑन 17/4/2021 इज, ये आपका ऑर्डर नंबर है, ये आपको सेव करके रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ऑर्डर हम दे देते हैं हमें पता नहीं चलता है, ऑर्डर अगर डिले हो गया तो आप इस नंबर के माध्यम से, ऑर्डर नंबर के माध्यम से आपका ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऑर्डर की पूरी डिटेल जानकारी नीचे आ गई है, मैंने पेमेंट कैसे किया है डेबिट कार्ड से, डिलीवरी इंफॉर्मेशन मुझे दी है। यहाँ अगर मुझे शॉपिंग करना है फिर से तो मैं कंटिन्यू शॉपिंग करूँगा, कंटिन्यू शॉपिंग करते
जैसे ही क्लिक करूंगा मैं फिर से उस पेज पे आ जाऊंगा जहां हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं। दोस्तों ये बहुत इजी प्रोसेस है। क्या होता है, हमने कभी किया नहीं रहता है, कभी हमने कार्ड यूज नहीं किया रहता है या कभी हमने नेट बैंकिंग यूज नहीं किया रहता है, तो पहली बार आपको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एक दो बार करने के बाद ये बहुत आसान प्रोसेस है। तो मैं सभी मेंबर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे यहाँ से परचेस करें। अभी तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑप्शन भी है, कंपनी ने हमें प्रमोशनल ऑफर दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से भी आप ये शॉपिंग कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो बेझिझक अपने सीनियर को कांटेक्ट कीजिए, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन शॉपिंग की है, वो आपकी मदद करेंगे। तो इसमें दोस्तों ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नहीं करना है या नहीं कर सकते, कभी जिंदगी में किया नहीं, इसके लिए मेरे से हो नहीं रहा है। पहली बार कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। तो मैं ज़्यादा ये नहीं करते हुए अभी ये मेरा स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई भी सवाल हो ऑनलाइन शॉपिंग को लेके तो आप डेफिनेटली हमको पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा। मैंने आपको अनम्यूट किया है सबको, अगर आप कुछ भी पूछना चाहे ऑनलाइन परचेज के बारे में तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर्स भी यहाँ मौजूद है आज के वेबिनार में, जो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है किसी के कोई थैंक यू कविता मैडम। मैं हमारे जो ग्रेट अपलाइन है हमारे एनडी पवार सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दे सकते हैं हमारे टीम के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सभी एटमिन दोस्तों को मेरा नमस्कार। सर ने बहुत डिटेल जानकारी दी छोटी छोटी, बिल कैसे बनाना है, और इसके ऊपर हम सही मायने में ध्यान रखे हैं तो बिल बनाना बहुत आसान है। एक दो बार करेंगे तो आ जाएगा, नहीं करेंगे समझ में आ रहा है तो कोई सीनियर को कांटेक्ट करो। हर चीज अगर प्रैक्टिकली हम खुद करेंगे तो हमको समझ में धीरे धीरे आती रहेगी। तो मैसेज तो बहुत सारे देने हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सीनियर यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रहे, दिल्ली से प्रदीप वर्मा जी भी है, घाक सर भी है, तो सभी को समय मिलना चाहिए। इसलिए धन्यवाद सर, आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। थैंक यू, सभी को समय मिलना चाहिए। थैंक यू सर मुझे समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं श्री बोवाट सर से रिक्वेस्ट करूंगा। बोवाट सर। यस सर, आवाज आ रही है सर? यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी के लिए, और पोरस मैम, पोरस सर और तनाज मैम को आज के लिए मैं शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, जो आसान तरीका बताया है कोरोना काल और महामारी में ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाए। क्योंकि ये अगर हम सभी लोग सीख लेते हैं, हर घर में हम लोग सीख ले, हर डिस्ट्रीब्यूटर अगर सीख लेता है एटमी का, तो निश्चित रूप से हर कोई खुद सेल्फ काम कर सकता है। इसी के अंदर क्या होता है कि हम सीखते नहीं, इसलिए हमारे ये ऑर्डर कैसे लगाना है, परचेस कैसे करना है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो बहुत इंटरेस्टेड ये सब्जेक्ट है जो उन्होंने आज आपने हम लोगों के सामने रखा, और बहुत एकदम आसान तरीके से रखा आपने कि सभी को समझ में आया। क्योंकि आपने लास्ट में जो क्वेश्चन भी पूछा लोगों को कि भाई किसी का कुछ डिफिकल्टी है, को समझ में नहीं आया, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को समझ में आया है, ऐसा मालूम पड़ता है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, आपके लिए शुभकामना देते हुए मेरे दो शब्द में यही खत्म करता हूँ। जय एटोमी। थैंक यू सर, थैंक यू
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गाग सर हमारे साथ, प्रसाद गाग सर है। हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी टू जॉइन लिटिल बिट लेट, लाइक आई वाज लिटिल बिट बिजी, बट मिस किया। जब जो भी मैंने पोर्शन देखा, इट वाज वंडरफुल, एंड थैंक यू वेरी मच एजुकेटिंग अस, एजुकेटिंग ऑल द एटोमियंस। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हो। यू आर बोथ आर यू आर वंडरफुल। जस्ट मी गिव मी लाइक, मैं दो तीन मेरे जो व्यूज है वो रखना चाहता हूँ कि आने वाला समय, अभी ये जो पैंडमिक की वजह से, या पैंडमिक हो या ना हो, आने वाले 4-5 साल में या 2025 तक, हमारे पंतप्रधान भी बोल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि ज्यादातर अभी ये ई कॉमर्स का ही जमाना रहेगा, ऑनलाइन परचेस का ही जमाना रहेगा। तो अभी भी काफी सारे लोगों को इस बात का डर है कि अगर ऑनलाइन में करूं तो कहीं मेरा मेरे कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जाके मेरी जो अकाउंट में से पैसे है वो कोई काफी सारे केसेस हम पेपर में भी पढ़ते हैं या ऐसे कुछ होते हैं। लेकिन हमारा जो पोर्टल है या जो भी है, इट्स वेरी सेफ, वेरी सिक्योर्ड, एंड अवर कंपनी हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ एवरीथिंग, यू नो। क्योंकि ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं चल रही है ये कंपनी, ये सक्सेसफुली काफी सारे देशों में, जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे भी इनका जो पोर्टल है या ये जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली चल रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे कंपनी के ऊपर, जैसे हमारे प्रोडक्ट बेहतरीन है वैसे हमारे सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है। इट्स अ वंडरफुल सिस्टम, सो यू डोंट हैव टू वरी। देखो, जब भी आई स्टिल रिमेम्बर, जब भी ये ATM का जमाना आया था, तो लोगों को पहले आदत थी बैंक में जाके पैसे विड्रॉ करना, बैंक में जाके वो चेक देना वगैरह, फिर वो आपको वो मिलता था, एक नंबर मिलता था, चलान नंबर, वो नंबर मिलता था, और वो जब भी बुलाते थे या नंबर जब भी डिस्प्ले होता था तभी हम लोग पैसे लेने के लिए जाते थे। लेकिन जब भी ATM आया, शुरुआत में लोग डर रहे थे ATM को, लेकिन अभी जैसे ATM का यूज लोगों को पता चलने लगा है, ATM इज फार बेटर, फार बेटर। आप कार्ड डालो, आपका नंबर सब वगैरह, आप पिन कोड डालो, आपको एसी, एक छोटा सा वो जो एसी जहाँ मशीन होती है वहां पे एसी होता है, और वहाँ की नोट जो आती है ना वो भी एकदम कोरी करकरित होती है। हेलो, 2 मिनट में हम विड्रॉवल करके बाहर निकल जाते हैं। तो समझने में थोड़ा सा समय लोगों को लगा था, ATM और बैंक विड्रॉवल, वहां पे फिजिकली जाके विड्रॉवल करना। हमारे लोगों की आदत है फिजिकली जाके प्रोडक्ट देखना, फिर प्रोडक्ट बाय करना, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज हो रही है, और आई एम 100% श्योर आने वाला जमाना हम एटोमियंस लोगों का ही रहेगा। ध्यान में रखिए, अभी तो ये 6 महीने का बच्चा है सर, और सर ये 6 महीने का बच्चा है, ये जब 6 साल का हो जाएगा या 5 साल का हो जाएगा तो बल्ले बल्ले होने वाले हम सभी लोगों के। yes, सिर्फ yes, इतना मैसेज है कि लगे रहना है, कमिटेडली रहना है, पॉजिटिव फ्रेम में रहना है और पॉजिटिवली काम करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत सही कहा है कि ये अभी तो 6 महीने का बच्चा है, अभी तो ये क्रॉल कर रहा है धीरे धीरे। जिस दिन ये खड़ा होके चलेगा और चल के जब ये भागना शुरू करेगा, उस वक्त मुझे नहीं पता, वो जैसे कहते हैं ना कि बच्चा आगे भागते रहता है, माँ बाप पीछे पीछे पकड़ने के लिए जाते हैं, वो कंडीशन रहने वाला है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, कि बहुत सारे लोग एटोमी के पीछे भागेंगे और एटोमी भागती रहेगी। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी भी एक बात आपने बहुत सही की, ये आने वाला कल ही बताएगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था ये कि 2025 से लेके 2030 के बीच में जो इंडियन इकोनॉमी रहेगी उसका 60-65% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स और नेटवर्क बिजनेस का रहेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको मिस मत कीजिएगा। हमारे साथ दिल्ली से एक बहुत बड़े लीडर जुड़े हुए हैं आज। मैं प्रदीप वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहे टीम के लिए। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, और सर आपको भी नमस्कार। नमस्ते सर। और आपसे पहले मैं प्रशांत गाग सर को नमस्ते करना चाहूंगा कि आज लगभग 1 महीने बाद मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, या मैंने उनकी आज आवाज सुनी है। वो जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था ड्यूटी पर। प्रशांत सर सॉरी, मैं आपको बीच में ज्वाइन नहीं कर पाया था, मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी बात, आज संडे है और मैं दिल्ली में हूँ आज, तो इसीलिए मैंने, और अभी आप ही का व्हाट्सएप आया था ज्वाइन,
तो मैंने आप ही के व्हाट्सएप को देखकर ज्वाइन किया था इस मीटिंग को भी। खैर सभी लोगों के अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। मेरे को कल एक व्हाट्सएप प्राप्त हुआ था मेरे एक साथी के द्वारा कि कोई भी 3 प्रोडक्ट खरीदो, 1 फ्री मिलने वाला है सेट अलग अलग चीजों पे। दिस इज ए वेरी गुड साइन, मतलब इसको जितना एनकैश कर सकते हैं और अपनी टीम में स्प्रेड कर सकते हैं उतना बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम इंडियन हैं, हम एक प्रोडक्ट फ्री के चक्कर में 3-4 प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये नेचर है हमारा, ये बाय नेचर है, और जो नेचर है हम उसे कैश करें तो ज्यादा बेहतर है। इससे नो डाउट अगर कोई 3 सेट खरीदता है तो कम से कम वो 40-50 हजार पॉइंट वाले की शॉपिंग करने वाला है, एटलीस्ट 30,000 की तो शॉपिंग करेगा। यानी कि जो व्यक्ति आपकी टीम में 10,000 पॉइंट वैल्यू की शॉपिंग करने में भी हेजिटेशन महसूस कर रहा था, अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी बताते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं, और साथ में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जितने अमाउंट में आपको 3 प्रोडक्ट मिलने वाले थे उतने में आपको 4 मिल रहे हैं, तो नेचुरली डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो कॉस्ट कटिंग भी कम हो जाएगी, तो इसको हम कैश कर सकते हैं। एज ए सेल्समैन अगर मैं बात करूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हम सब इंडियन है, यहाँ कोई साउथ कोरिया का सुनने था चुपचाप बता रहे थे कि अटोमी के पास इसका मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें इन फ्यूचर हम कैश कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लगे रहे। तो किसी भी बात को लेकर अगर नेगेटिव बैठ गए घर में बैठ गए, अभी बल्कि थोड़ी देर पहले मैं ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट आई वॉज टेलिंग टू माई वाइफ, मैंने कहा यार अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो चलिए बहुत बुरा हुआ, मैंने कहा मुझे तो लगता अच्छा हो गया। कहते क्यों? मैं कहा 2 महीने पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने 300 की टीम को 3,000 में कन्वर्ट कर दिया था 2 से 3 महीने में, प्रसाद सर जानते हैं। मैं कहा इस बार 2 महीने के लिए लॉकडाउन लग जाए बॉस, इस बार तो मैं सेल्स मास्टर 2 महीने में निकाल दूंगा। सॉरी किसी को तो मतलब मैं तो सर अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन के अंदर अपॉर्चुनिटी। तो 2 अपॉर्चुनिटी हमारे साथ पैरेलल चल रही है, एक कि अटोमी के पास में ऐसी ऐसी स्कीम्स भी हैं, ये हमें क्लियर हो गया, और इन फ्यूचर और अच्छी स्कीम हमें मिल सकती है, एक बात। दूसरी बात, किसी को परेशानी लॉकडाउन से हो सकती है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है तो निश्चित रूप से मुझ जैसे, प्रसाद जैसे, पोरस जैसे, या जो लोग भी ऑनलाइन अपने बिजनेस को शिफ्ट कर चुके हैं, डेफिनेटली दे विल मेक द वेरी हैंडसम अमाउंट फ्रॉम हियर। उसको इसको अपॉर्चुनिटी लेके चले, लॉकडाउन को, कोरोना को अपॉर्चुनिटी लेके चले, सेफ रहें, ये जरूरी है। धन्यवाद पोरस सर मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड वेरी राइटली सेड, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव सोचना, यही हमारा काम है। आप पॉजिटिव सोचते जाइए, ऑटोमेटिक सब कुछ पॉजिटिव होगा। बहुत सारे लोग कोरोना को लेके बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं मुझे नहीं पता, बस जैसे ही एक आम दिन रहता है हर एक का, वैसा ही एक आम दिन है, और इसका ज्यादा से ज्यादा कितना हम फायदा उठा सकते हैं बस उसके बारे में सोचे। सर राजस्थान से तिवारी सर, सुनील तिवारी। यस सर, तिवारी जी मैं सुनील कुमार तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो 2 शब्द कहे। सभी को नमस्कार, आवाज आ रही है सर? यस सर, नमस्कार जी सर। आज का आपका प्रोडक्ट खरीदने का जो प्लान रहा सर, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि काफी जनों की ये जो नए नए अपने साथ साथी जुड़ रहे हैं उनके साथ ये समस्या आ रही थी कि हम प्रोडक्ट को कैसे खरीदें, कैसे ऑर्डर लगाएं, और विशेष रूप से जो आपने उस जो पिन कोड के लिए क्लियर किया वहां पर काफी समस्या आ रही थी, क्योंकि पिन कोड जैसे डालते थे तो उसी वहां से वापस रिटर्न आते थे। तो आपने ये आज जो सेशन रहा ये बहुत ही अच्छा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रोडक्ट के बारे में जो आपने पहले जानकारी दी वगैरह ये भी बहुत अच्छी रही। सभी साथी से मैं यही कहूंगा कि जो अभी जिस सर ने बताया कि ऑफर जो चला है ना, 3 के ऊपर 1 और पेस्ट के ऊपर भी, जैसे एक 50 ग्राम वाला पेस्ट फ्री के ऊपर भी ब्रश फ्री, तो बहुत सही बात कही है कि जोड़े तो
पूरे और उसकी बार भी देखें तो वो लगभग हो जाते हैं 13,000 समथिंग, और तो वो काफी कुछ बेनिफिट डिटेल देख के अपने को ले सकते हैं, लगभग 2200 के करीब और लगभग 3300 में 1100 रुपए के लगभग एक पीस के ऊपर अपन डायरेक्ट बेच के भी ले सकते हैं। तो अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद मुझे बोलने का समय दिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ हमारे बहुत सारे एक्चुअली मेंबर्स हैं, अगर किसी को कुछ बात करनी हो या कमेंट्स कुछ देना हो तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। आप लोग आज संडे के सुबह इस वेबिनार को ज्वाइन किया, उसके लिए मैं सबका हार्दिक शुक्रिया अदा करूंगा। और हम ये सर मिश्रा जी भी, एनएन मिश्रा जी, एनएन मिश्रा जी मुझे नहीं दिखे सर। है अच्छा, सॉरी मिश्रा जी को कैसे भूल गया मैं। मिश्रा जी नमस्कार। हेलो मिश्रा जी, आप म्यूट पे हैं। हेलो जी, यस सर। सर जी नमस्कार सारे साथियों को मेरा। मैं लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि दूसरे की एक मीटिंग थी, वहां पे मैं था, और बहुत अच्छा लगता है आपके इस कंसिस्टेंट मीटिंग को देख करके सुन करके। काफी सारे सर आप म्यूट हो गए वापस मिश्रा जी। खास करके प्रदीप जी ने जो बात कही है दिल्ली से जी, काफी मोटिवेट करता है क्योंकि लॉकडाउन का फायदा काफी साथी ने पिछली बार भी उठाया था और उन्होंने फिर से इस बार उन्होंने हिंट दे दिया है कि जो भी लोग लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहते हैं वो सभी लोग इसमें मौजूद है मेरे ख्याल से, और निश्चित रूप से एक बड़ी ऊंचाई पे जाने का एक चाबी उन्होंने दे दिया है। मैं प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से कि उन्होंने आखिर कह ही दिया। और आपका तो कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि जो चीज आप प्रेजेंट करते हैं, मुझे हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडर का सुनने का मिलता रहता है, लेकिन जो चीज आपने रखी है अपने अंदर इसी तरीके से आप हम लोगों के बीच बांटते रहिए। फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपने प्रदीप जी के बारे में कहा, प्रदीप जी ने तो आने वाले 2 महीने का लॉकडाउन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। अभी फिलहाल चाहे गवर्नमेंट 15 दिन का ही क्यों ना करे, प्रदीप जी ने कह दिया है कि अगले 2 महीने के अंदर और टीम बड़ा कर देंगे। दोस्तों इसी चीज का फायदा उठाइए। लॉकडाउन एक्चुअल में देखने जाएगा तो बहुत बहुत अच्छी चीज हो जाएगी हम लोगों के लिए, ताकि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लान्स दे सके, ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। तो मेरी यही शुभकामनाएं है सबके साथ में। यही कह के मैं आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोग टाइम निकाल के इस वेबिनार में आए, और हर संडे की तरह हम डेफिनेटली कभी प्लान प्रेजेंटेशन, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी कुछ मोटिवेशनल ये रहेगा तो हम डेफिनेटली आपके साथ में रहेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को ज्वाइन कीजिए ताकि उनको भी ये एजुकेशन मिलता रहे। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और ये मीटिंग मैं यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।